I will not be a party to it. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? Our opinion is that the.

ऑथेंटिक में खुश आमदी मार्च 1978 में लाहौर की अदालत ने जुल्फिकार अली भुट्टो को पांच सिक्योरिटी एहलकारों समेत वकील अहमद रजा कसूरी के वालिद के कत्ल की मंसूबाबंदी के इल्जाम में फांसी की सजा सुनाई थी सितंबर 1977 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और छह माह ट्रायल जारी रहा सजाए मौत के खिलाफ अपील में फरवरी उन्नीस में सुप्रीम कोर्ट के सात रुकनी बेंच ने चार दिन की नस्बत से जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के फैसले को बरकरार रखा चार जजों ने फांसी देने के हक में और तीन जजों ने फांसी के खिलाफ फैसला दिया इस फैसले के दो माह बाद उस पर अमल दरामद कर दिया गया सबक सदर आसिफ अली जरदारी ने सबक वजी अजम्फ़ार अली भुटो की सजा मौत के फैसले के खिलाफ दो हजार ग्यारह में रेफरेंस दायर किया था रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के सबक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के बयान को बुनियाद बनाया गया जिसमें एतराफ़ किया गया था कि भुट्टो के खिलाफ मुकदमे की समात करने वाले बेंच पर जनरल जय हक की हुकूमत की तरफ से दबाव था सिदार्थी रेफरेंस पर पहली समात 2 जनवरी 2012 को जबकि 11 साल पहले आखिरी समात 12 नवंबर 2012 को हुई थी जिसके बाद मजदीद कोई समात नहीं हो सकी थी सिदार्थी रेफरेंस पर पहली पांच समातें सबक चीफ जस्टिस इतिहास चौधरी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी लार्जर बेंच ने की जबकि आखिरी समात नो रुकनी लार्जर बेंच ने की थी जुल्फिकार अली भुटो की फांसी के खिलाफ सिदार्थी रेफरेंस में दलाइल को चीफ जस्टिस काजी फायस ईसा की सरबराही में नो रुकनी लार्जर बेंच ने सुना मुकदमे की दोबारा समात को की और रमामा चार मार्च दो हजार चौबीस तक कुल आठ समें की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस की बारह सालों में चौदह समातें हुई तब वजे पाकिस्तान ुलफ्फ़ार अली भुटो से मुल्लिक रेफरेंस पाँच सवाल पर मबनी था क्या ुल्फ़िकार अली भुटो के कतल का ट्रायल आइन में दर्ज बुनियादी इंसानी हकूक के मुताबिक था क्या ल्फ़ार अली भुट्टो को फांसी की सजा देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती नज़ीर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स पर आर्टिकल 189 के तहत लागू होगा अगर नहीं तो इस फैसले के नतज़ क्या होंगे क्या लफ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत सुनाना मुनिफाना फैसला था क्या लफ़ार अली भुट्टो को सजा मौत सुनाने का फैसला जानेबदाराना नहीं था क्या लफ़ार अली भुट्टो को सुनाई जाने वाली सजाए मौत पुरानी अहकाम की रोशनी में दुरुस्त है क्या लफ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ दिए गए सबूत और गवाहान के बयानात उनको सजा सुनाने के लिए काफ़ी थे अदालत ने इस केस में मखदूम अली खान को अदालती मावन मुकर किया था उन्होंने अदालत में दलाइल देते हुए कहा था कि रिकॉर्ड ऐसा ही जाहिर करता है कि भुट्टो केस में बैरूनी दबाव भी था असल सवाल अदलिया पर सवाली का है मेरी राय यह है कि अदालती फैसला बगैर किसी दबाव के होना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील रजा रबानी ने कहा कि अदालत ऐसा कर सकती है सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल इंसाफ की फ्राहमी के लिए आर्टिकल 187 एटी सेवन का इस्तेमाल कर सकती है पीपल्स पार्टी के वकील ने मजीद दलाल दिए थे की जब भुट्टो के खिलाफ केस चलाया गया उस वक्त हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आइन के तहत काम नहीं कर रहे थे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिस था भुट्टो केस में फेयर ट्रायल के प्रोसेस पर अमल नहीं किया गया अहमद रजा कसूरी पर हमलों के छह मुकदमा दर्ज हुए और किसी एफ आई आर में भुट्टो को नामजद नहीं किया गया चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट की जुल्फिकार भुट्टो से मुतालिक मुल्लक रेफरेंस पर राय को तारीखी करार देते हुए कहा है कि अदालत ने आज तस्लीम किया कि भुट्टो को मुनिफाना ट्रायल का हक नहीं दिया गया था उनका मजीद कहना था कि उनकी जमात सुप्रीम कोर्ट के तफसी फैसले का इंतजार करेगी जिसके बाद ही इस मामले पर तफसी बात की जाएगी